दुमका मसलिया प्रखंड क्षेत्र के गुमरो पारबाद गांव में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में प्रजापीठ छोटा तेतरिया डंगाल की ओर से हर हर गंगे घर घर गंगे कार्यक्रम के तहत चिन्हित परिवार में कुंभ का पवित्र गंगा जल दिया गया। वहीं हर घर में देव स्थापना किया गया। ट्रस्टी सदस्य फागु प्रसाद दांगी ने बताया कि कोरोना के कारण इस बार कुंभ में जाने की अनुमति नहीं मिली है। हर हर गंगे घर घर गंगे का कार्यक्रम शांति कुंज हरिद्वार से चलाया गया है, जो कि अभी कुंभ के मेला वहां चल रहा है, जो कि 12 साल में एक बार लगता है, और इस मेला में सरकार के वजह से सबको वर्जित है, वहां प्रवेश निषेध है। इसीलिए कैसे कुंभ का लाभ पहुंचे आम जनता को, इसी तरह में हमारा मिशन शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा प्रत्येक प्रज्ञापीठ शक्तिपीठ में कुंभ का जल और देवस्थापना के लिए फोटो मुहैया कराया गया है। हम लोग दुमका से शक्तिपीठ से प्रज्ञापीठ तिजारे में लाए, और इसके पूर्व ही 11 गांव का सूची मांगा गया था शांति कुंज से, और प्रत्येक गांव में 24 घर का चुनाव किया गया था, जो कि उस चिन्हित परिवारों को ही गंगा जल और देवस्थापना का फोटो मुहैया कराया जाएगा। और इसी तहत आज पारबाद में यह कार्यक्रम करने जा रहे हैं, और इसके बाद हम लोग ने आगे 7 गांव कर चुके हैं, और बाकी और 3 गांव बाकी है, 1-2 रोज के अंदर ही हम लोग पूरा कार्यक्रम को पूरा कर देंगे, और सभी जनता को इसका लाभ पहुंचा का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कुंभ मेला में जो स्नान से जो फल मिलता है वह पुण्य घर घर बैठे ही सबको आम जनता को मिलेगा, क्योंकि कुंभ का जल जो है एक बूंद लोटा में 2 बूंद अगर कुंभ का जल दे करके अगर आदमी स्नान कर लेगा तो घर बैठे ही कुंभ का पुण्य मिल सकता है। और कुंभ मेला जाने के लिए खर्च भी है 1.5 से 2 हजार तक, लेकिन यहाँ बिना खर्च का ही घर घर में पहुंचाया जा रहा है। इसी तरह आज यहाँ कार्यक्रम होने जा रहा है। मेरा परिचय में गायत्री ट्रस्ट दुमका शक्तिपीठ का ट्रस्टी और प्रज्ञापीठ तृतीया डिंगाल का व्यवस्थापक हूँ। नाम मेरा फागु महतो है, ग्राम गाड़ापाथर, पोस्ट गाड़ापाथर, जिला दुमका, थाना मसलिया। स्वदेश वाणी।